ज्यादा से ज्यादा 4 और 5 सीटें जीते। लेकिन हमारी जब बात हुई है 2 दिन पहले, तो वो कह रहे थे कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी तो 15 सीटें और बाकी तो 2.5 महीने ही हुए और अभी तो चुनाव की तो लगभग लगभग 2.5-3 महीने है। और इसी तरीके से अगर हमारा काम बढ़ता गया तो कम से कम हम हर महीने में 5 सीटें बढ़ाएंगे। अगर इसी तरीके से हमारा काम चला और जब हम 25-30 सीटें पर अगर विजयी हो गए तो इस उत्तर प्रदेश में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी। ये कोई भी लड़ाई हो, जहां जहां पर महिलाओं ने भाग लिया है उस लड़ाई में सफलता मिली। हमें निश्चित हमें खुशी है कि जो 2019 की जो चुनौती है उसमें भी हमें सफलता मिले। 22 का जो हमारा लक्ष्य और यहाँ तक कि हमें रिपोर्टें हैं और दूसरे दलों को बहुत चिंता अभी से हो चुकी है। हाथ हमारी जो समाजवादी पार्टी की महिलाएं थी जिसमें आज खड़ी हुई है, और जब हम लोग फंस जाते थे, जब पुलिस से मुठभेड़ होती थी, तो हम लोगों की रक्षा करने के लिए हमारी बहनें आ गया थी। कितने उपचुनाव हुए हैं, और उन उपचुनाव को हमने अपनी बहनों के बल पर जीता है। कितनी पढ़ी लिखी हमारी बेटियां थी, बीएससी थी कोई था, और कौन सी नौकरी मिली थी, बहुत छोटी नौकरी, लेकिन उन्होंने लड़कियों ने बहादुरी दिखाई। इसी उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सामने लाठियां खा करके, लाठियां भी महिलाओं पर पड़ी थी, धरना भी दिया था, क्या क्या आरोप लगा रहे, तब मैंने तो जवाब भी दे दिया, हमने जवाब भी दे दिया था, आपने अखबारों में पढ़ा होगा। बताइए पुलिस की नौकरी मेहनत की है, बीएससी लड़कियां थी, बीएससी पास, उन पर भी आरोप इन्होंने लगाया। 5 पर आ गई और मोदी सरकार बन चुकी थी और हमारे 12 सीटों पर बीजेपी जीत गई और वो सीटें जब खाली हुई थी विधायकों की 12 में समाजवादी पार्टी 9 जीत के दिखा दिया था। और आपने देखा ही 2003 से पहले इस प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री था, जो कल बोल रहे कितना जुर्म था, पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी लूट थी, कितनी लूट सरकार में हमारे दो बार हम मंत्री रहे, नेताजी के साथ भी रहे, कोई आरोप लगा, खनन विभाग भी 3 साल मेरे पास रहा, कोई आरोप लगा, सिंचाई विभाग रहा, पीडब्ल्यू भी रहा, बिजली भी रहा मेरे पास, बिजली भी रहा, मंडी भी रहा, सबसे अच्छी विभाग हमारे, कोई आरोप लगा कभी नहीं। और इन पर कितने आरोप, और सही है कि उन्होंने इस गठबंधन में भी निश्चित पैसा लिया होगा। ये गठबंधन नहीं है, मैंने कहा था कि ये ठगबंधन है, पैसा लेकर और पैसे के लिए
और पैसे के लिए और भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो नारे तो बहुत बहुत दिए हैं। कितना नारा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दिन दहाड़े बेटी जलाओ, ये भी तो है, दिन दहाड़े बेटियां जलाओ। कितना बेटियों पर अत्याचार, कितना महिलाओं पर अत्याचार, थानों से लेकर तहसीलों से लेकर के सब जगह सुनवाई कहीं नहीं, कहीं सुनवाई नहीं। अब आपका आदेश होगा थाने में जाओ, कहीं बिना पैसे तहसील में जाओ, डीएम के यहाँ जाओ, डीएम के यहाँ शिकायत करो, कोई सुनने वाला, एसपी के यहाँ कोई सुनने वाला, तो ये तो हालत है। अब सब सुनेंगे, आप आरोप लगाएंगे तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आपका आशीर्वाद, हम बस इतना ही कहना चाहते हैं, जहाँ जहाँ ये सही है कि पुरुषों के बराबर संख्या है, आपके हक के आपको मैंने तो हमेशा आपका जो हक है, मैंने तो हमेशा कहा जितनी जिसकी संख्या है भागीदारी उसकी नहीं हिस्सेदारी।